धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं हूं इकराम और मैं बात करूंगा आज टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागीटो की। कल ये फिल्म रिलीज हुई थी। ज़्यादातर हम लोग फिल्मों की बात करते नहीं हैं, हम लोग बात करते हैं इश्यूज़ की और विवादों की, लेकिन मैं इस फिल्म की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में ये फिल्म विवादों से घिर जाए, क्योंकि इसमें एक कंट्रोवर्सी जानबूझकर पैदा की गई। अब ये कंट्रोवर्सी पब्लिसिटी के लिए की गई है या फिर ये देशभक्ति के लिए इसमें ये सीन दिया गया है, क्योंकि फिल्म की जो कहानी थी उसमें टाइगर श्रॉफ एक फौजी हैं और वो एक तरह के फौजी का किरदार उन्होंने इस फिल्म में निभाया है। अब मैं जिस विवाद की बात कर रहा हूँ, उस फिल्म में एक सीन दिखाया गया, एक शख्स को गाड़ी पर बांध कर उसे घुमाया गया है। हालांकि इस फिल्म में वो शख्स एक टेररिस्ट है और उसके साथ जो किया वो सही किया है, लेकिन जिस घटना का सीन ये इस फिल्म में लिया गया है वो घटना से कुछ महीने पहले कश्मीर में हुई थी, जहाँ पर एक शख्स जिसका नाम फुरकान डार था, आर्मी ने उसे एक जीप पर बांध कर घंटों तक घुमाया था। और इस बात को लेकर कश्मीर में बहुत विवाद हुआ था, मुर्दला ने इस पर काफ़ी तल्खी टिप्पणी की थी और महबूबा मुफ्ती जो वहाँ की सीएम है और जिसका गठबंधन भाजपा के साथ है, पीडीपी जिनकी पार्टी है और महबूबा मुफ्ती सीएम है कश्मीर की, उन्होंने आर्मी के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। और PTI की खबर की माने तो बाद में जनरल रावत खुद महबूबा मुफ्ती से मिले और उन्हें आश्वासन दिया कि जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, जो भी ऑफिसर, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जब फुरकान डार को छोड़ दिया गया तो उसने कहा कि मैंने ज़िंदगी में आर्मी के ऊपर कभी कोई पत्थर नहीं फेंका, लेकिन पता नहीं मुझे किसकी सज़ा दी गई है। खैर ये बात वो थी, हम उसको, वो आर्मी का मसला है, हम उस पर बिल्कुल नहीं बात करेंगे क्योंकि आर्मी पहले है, बाकी सब बाद में। लेकिन आर्मी के खिलाफ FIR तो दर्ज हुई थी ना, और कराई भी किसने थी? महबूबा मुफ्ती जो कश्मीर की मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के साथ गठबंधन से सरकार चला रही हैं, यानी ज़्यादातर वहाँ पर जो भी होता है दोनों की सरकार, दोनों सरकार की मिलीभगत से जो भी वहाँ काम होते हैं उस दोनों की मिलीभगत से, यानी दोनों की अनुमति से होते हैं। अब इस फिल्म में जो कंट्रोवर्सी पैदा की गई है, जिस घटना से इस सीन को जोड़ा जा रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में कोई ना कोई इस फिल्म के खिलाफ एक्शन ले और कोर्ट जाए। मामला आगे अगर कोई इसमें आता है तो मैं अब तक खबर पहुंचाऊंगा, और नहीं आता है तो इस फिल्म के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर फिल्म विवादों में घिरी तो फिल्म के लिए फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी। और फ़ायदा ये हो सकता है कि फिल्म पब्लिसिटी पा सकती है। आपने देखा होगा पिछली फिल्म पद्मावत को लेकर जिस तरह पूरे देश में कॉन्ट्रोवर्सी की गई, लगातार 3 महीने उस फिल्म का विवाद रहा, बाद में लेकिन फिल्म रिलीज हुई और फिल्म एक बड़ी हिट भी साबित हुई। अब इस फिल्म के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आप लोगों तक खबर जरूर पहुंचाऊंगा। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। खबर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना।